इन टाइप का जो है बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पे हर एक जगह आप देख रहे होंगे। तो आप सबको लग रहा होगा कि इन ड्राइवर में जो है सिर्फ कैब या ऑटो जो है ज्वाइनिंग हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन ड्राइवर जो है अब लोडिंग गाड़ी भी ज्वाइनिंग करना स्टार्ट कर दिया है और ये बहुत सारे सिटी में भी चालू हो गया है। तो आज के हम वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन से सिटी में जो है इन ड्राइवर में आप अपनी लोडिंग गाड़ी ज्वाइनिंग करवा सकते हैं, कौन कौन से सिटी में चालू हो गया, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना देर में आईडी चालू होगा, साथ में जो है आपको ऐप में भी करके दिखाऊंगी कहां कहां पे क्या क्या चीज डाला जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज आप लाइक जरूर कर देना। सबसे पहले हम बात करते हैं सिटी की। देखिए जो भी सिटी में चालू हुआ है, अभी ऑल इंडिया ये चालू नहीं हुआ है, तो जो भी सिटी में चालू हो रखा है वो सारे का नाम जो है आपको नीचे शो कर रहा होगा। ये सब सारे सिटी में आप अपने गाड़ी को लगा सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट जो है बिल्कुल ना के बराबर लग रहा है, मतलब इससे ज्यादा तो पोर्टल मांगता है। देखिए आपका डॉक्यूमेंट लग जाएगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस और आपका आधार कार्ड, ठीक है, और एक जो फोटो लगेगा उसमें जो है आप अपने आधार कार्ड के साथ या ड्राइविंग लाइसेंस के साथ जो है ऐसे पकड़ के जो है आपको सेल्फी देना पड़ेगा, जिसमें आपका भी फोटो आए और आपका जो है डॉक्यूमेंट हाथ में ले रखे हैं इसका भी फोटो आना चाहिए। तो ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट। गाड़ी का डॉक्यूमेंट में सिर्फ लगेगा आपका आरसी, ठीक है, उसमें कोई इंश्योरेंस नहीं लगेगा, कोई भी उसमें परमिट नहीं लगेगी। और ये जो लोडिंग गाड़ी है ये नहीं कि आप जिस सिटी में चला रहे हैं सिर्फ इसी सिटी में चलेगा, नहीं, आपका अनदर सिटी का भी ऑर्डर आएगा, जैसे जिसे बोलते हैं इंटर सिटी, ठीक है, जहां तक आपका परमिट है वहां तक कि आप अपने लोडिंग को उठा सकते हैं। आपके पास ऑर्डर जो आएगा, ठीक है, जैसे आपके पास डिस्प्ले पे जो है तीन चार ऑर्डर आएगा, उसमें से आप जो भी ऑर्डर उठाना चाहते हैं उठा लीजिए, उसके बाद कस्टमर से जो है आप ऊपर नीचे पैसे का बातचीत कर सकते हैं। आईडी जो है आपका चालू हो जाएगा 2 से 2.5 घंटे में चालू हो जाएगा। जो मैं आपको एक जो है हमारे जो इन ड्राइवर का जो है एक एजेंट है उनका अगर आप रेफरल कोड लगाते हैं तो 2 से 2.5 घंटे में जो है आपका आईडी चालू हो जाएगा, ठीक है, उसमें से जो है कुछ आपको बेनिफिट भी मिलेगा। और अगर आप खुद से बनाते हैं, अपनी मर्जी से बनाते हैं, ऐप में जाकर के खुद से ऑनलाइन रजिस्टर करते हैं और कोई भी रेफर कोड नहीं लगाते हैं, तो आपका जो है 4 या 4.5 घंटा में आईडी चालू हो जाएगा। दोनों अवस्था में चालू हो जाएगा। इसमें क्या है कि आपको थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, 2-2.5 घंटा में आईडी चालू हो जाएगी, साथ में आपको जो है शायद फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर जो है 250 रुपये एक्स्ट्रा जाएगा। ये हमारा रेफर कोड नहीं है, ठीक है, तो आप अपनी इच्छा से लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं तो आप खुद से बिना रेफर का भी आईडी बना सकते हैं जिसमें आपका 4 या 3 घंटा भी आईडी चालू हो सकता है, ठीक है। अब आपको जो है मैं ऐप पे लेके चलता हूं और वहां पे कैसे आपको साइन अप करना है और क्या क्या कैसे डालना है वो सारे आपको दिखाता हूँ। तो चलिए आपको निकलते हैं फोन के डिस्प्ले पे। तो हमें जो है सबसे पहले आना है प्ले स्टोर पे और यहाँ पे लिखना है इन ड्राइवर। और देखिए ये जो ऐप है ये ऐप कस्टमर के लिए भी यही ऐप है और ड्राइवर के लिए भी यही ऐप है और इसी में जो है फंक्शन दिया हुआ है। तो चलिए आगे बात करते हैं। इसे जो है मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद अलाउ का ऑप्शन आएगा, क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर जो है आपको मोबाइल नंबर डालना है जिस नंबर से आप अपने गाड़ी को रजिस्टर करना चाहते हैं। मैं डालता हूँ। ये नंबर डालने के बाद जो है ओटीपी का ऑप्शन आएगा, तो ओटीपी में जो है आप व्हाट्सएप पे भी मंगा सकते हैं और सेंड मैसेज का भी ऑप्शन आता है, तो आप दोनों पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद जो है परमिशन मांग रहा है तो मैं ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ये हल्का सा घूम रहा है, तो ये जो है अगर आपका लोकेशन चालू है तो खुद से जो है ये लोकेशन ले लेगा, नहीं तो आप यहाँ पे देखिए एडिट का ऑप्शन दे रहा है, आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, एडिट पे क्लिक करते हैं। हाँ, यहाँ पे आप कोई भी सिटी को सर्च कर सकते हैं। हम इसे क्लोज कर देते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो ये जो है यहाँ पे पैसेंजर और ड्राइवर वाले मोड है, तो इस पर हम ड्राइवर वाले मोड पर क्लिक करते हैं। पर तो आपका जो है अपना नाम डालना है, तो मैं डाल देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा लिखा हुआ है, तो हम इसको ओके पे क्लिक कर देते हैं।
तो यहाँ पे जो है आने के बाद जो है ये सर्च हो रहा है, शायद मेरा नेट स्लो होगा या पता नहीं इसका जो भी है। अब जो है अपने को थ्री लाइन पे क्लिक करना है जो लेफ्ट साइड के ऊपर में शो कर रहा है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है ऑनलाइन रजिस्टर पे क्लिक करना है। और यहाँ पर जो है आपको जो भी गाड़ी लगानी है तो यहाँ पे देखिए नीचे आ रहा है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद जो है जैसा वेट करते हैं, अब यहाँ पे सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन जो भी आता है वो चीज़ आपको डालना है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो आपका जो है फर्स्ट नाम हो गया, लास्ट नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, आप ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं और अपना यहाँ पे ऐड फ़ोटो के ऑप्शन पे क्लिक करके, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर फ़ोटो होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे जो है ऐड फ़ोटो पे क्लिक करके इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे गैलरी का भी ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए गैलरी का ऑप्शन दे रहा है, आप कोई फ़ोटो ले सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ से बैक आते हैं, बैक यहाँ पे जो है आपको ड्राइविंग लाइसेंस डालना है और ड्राइविंग लाइसेंस का जो नंबर है वो पूरा डालना है, कोई भी गैप नहीं होनी चाहिए। और फ़ोटो जो है पूरा डालने के बाद यहाँ पे जो है डेट ऑफ एक्सपायर का ऑप्शन उसमें आता है ड्राइविंग लाइसेंस में, वो आप डाल दीजिएगा। फिर यहाँ से बैक हम आते हैं, उसके बाद सेल्फी विथ आईडी, हम आपको बताए थे कि आपको जो है आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस के साथ जो है हाथ में पकड़ करके फ़ोटो खींचने है, जिसमें आपका फेस भी सही दिखे और जो वो फ़ोटो है मतलब जो आप डॉक्यूमेंट ले रखे हैं हाथ में वो भी क्लियर दिखे, और वो जो है यहाँ पे आपको डालनी है, ठीक है। देखिए ऐसे हाथ में पकड़ के आपको खींच के डालनी है, चलिए यहाँ से हटा दिए। उसके बाद जो है आईडी कार्ड यहाँ पे मांग रहा है, तो आईडी कार्ड में जो है आप आधार कार्ड डाल दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड का जो है नंबर डाल दीजिएगा ऊपर, बस हो गया। उसके बाद यहाँ पे व्हीकल इन्फॉर्म आते थे, इसमें जो है सिर्फ आपको चले यहाँ पे जो भी आपकी गाड़ी है वो गाड़ी आप अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नंबर प्लेट यहाँ पे जो भी है वो डाल दीजिएगा, गाड़ी का फ़ोटो खींच के डाल दीजिएगा, इसमें जो है दिखा रखा होगा, ये देखिए इस तरीके से जो है आपको फ़ोटो खींच के डालनी है। आपका जो भी या आपका थ्री व्हीलर टाइप की गाड़ी है या हाथी जो गाड़ी को बोला जाता है वो है, जो भी है ऐसे डालना है ताकि साइड का भी दिखे और फ्रंट का भी दिखे और नंबर प्लेट भी दिख जाए, ठीक है। उसको यहाँ से फिर से बैक आते हैं और यहाँ पर जो है आरसी आपको डालना है, ठीक है। आरसी में जो है फ्रंट बैक भी डालने की बोल रहा है और यहाँ पे ईयर्स भी लिख देना है, ठीक है। चलिए यहाँ से बैक आते हैं, उसके बाद जो है इन्फॉर्मेशन वाले सर्विस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जो है आपको कोई भी चीज़ नहीं डालना है, ठीक है। यहाँ से डालने के बाद जो है आपको ओके कर देना है। हम बैक आ गए, ज़्यादा बैक आ गए हम। यहाँ पे होने के बाद जो है सारी चीज़ जब हो जाए तो यहाँ पे जो है डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा और जो हम आपको रेफ़र कोड दिए हैं तो एजेंट रेफ़र कोड पे क्लिक करके जो है आप यहाँ पे रेफ़र कोड लगा देंगे तो क्या होगा कि आपका जो है आईडी 2 से 2.5 घंटा में चालू हो जाएगा। अगर आप रेफ़र कोड नहीं लगाते हैं तो शायद आपका 4 घंटा या 5 घंटा भी लग सकता है। साथ में यहाँ पे रेफ़र कोड लगाने से जो है आपका 2 ऑर्डर में फ़ायदा भी होगा, ठीक है। 2 ऑर्डर में शायद 250-250 रुपये जो है आपको एक्स्ट्रा इनकम हो पाएगा। तो सारा डॉक्यूमेंट डालने के बाद जो है आपको 2 से 2.5 या 4 घंटे तक जो है आपको वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद जो है या आप कस्टमर केयर को कॉल भी कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं बाइक की आईडी बनाया था, अपना खुद का आईडी बनाया था, तो कस्टमर केयर जो है हमें खुद से जो है कॉल किए थे, तो आपको कॉल कर सकते हैं क्योंकि अभी नई नई कंपनी इसमें लॉन्च की है तो अभी ज्यादा जरूरत है। जब ज्यादा जरूरत है तो कंपनी ज्यादा ध्यान देती है, तो आपके पास कॉल भी आ सकता है। उसके बाद आने के बाद जो है आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ ये जो वीडियो है काफी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज आप लाइक कर देना और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।